राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज विभिन्न पदों और वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हुई। वहीं भरतपुर में भी 66 परीक्षा केंद्रों पर सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रवेश दिया गया। वहीं परीक्षा के समय इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए विशेष दस्ता नियुक्त किया गया। द्वारा आज परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें संपूर्णतः आयोग के निर्देश और राज्य सरकार के आदेश और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश हमें प्रदान किए गए उसके तहत यह परीक्षा संपन्न कराई जा। सघन तलाशी के बाद इसमें परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें दो इस स्थानीय विद्यालय में दो सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम सेंटर जो है उसमें 360 है और द्वितीय बिन का जो सेंटर है उसमें 264 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे।